तो अनिल जी, फिलहाल आईपीएल का माहौल चल रहा है और लोग बच्चे हैं जो नीट वगैरह एग्जाम है एक महीने बाद, इसको छोड़ के आईपीएल के पीछे पड़े हुए हैं। माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, कई लोग चाह रहे हैं पढ़ना लेकिन फिर भी किसी को ज़्यादा शौक है तो आईपीएल को लेकर पढ़ नहीं पा रहा है। तो आप इस बारे में क्या विचार रखना चाहोगे, कैसे स्टूडेंट को गाइड करोगे? तो भूपिंदर जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है आपने और मैं भी नोटिस कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे आईपीएल को अपने इंडिया में पूजा जाता है, एक त्यौहार की तरह लिया जाता है। लेकिन तमाम जो क्रेज है मोस्टली आपने देखा होगा स्टूडेंट जिनकी एज अप्रोक्स 16 से लेके 30 के बीच में, उसका ज़्यादा एक क्रेज रहता है, उनमें ज़्यादा शौक रहता है। और 5 मई को नीट का एग्ज़ाम है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखो कई चीज़ का इंटरेस्ट होता है पर नहीं रोक पाते। अभी आपको लग रहा है कि भाई मेरी चेन्नई के फ़ैन हो आप, आरसीबी के फ़ैन हो, राजस्थान के फ़ैन हो, चलो स्कोर देख लिए 5 मिनट 2 मिनट ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, 7 बजे मैच स्टार्ट होता है, 6 बजे से ऐसे बैठ जाते हैं कि हाँ हमें मैच देखना है, ये करना है, वो करना है, टाइम वेस्ट मत करो। और मेरा ये मानना है अभी ये लास्ट साल है आपका, करियर का लास्ट टाइम चल रहा है, 2-2.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी इस टाइम का जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज करोगे उतना परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आईपीएल तो हर साल आएंगे, पिछले 17 साल से चल रहा है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा। लेकिन एक बार अगर आप कॉलेज पहुंच गए फिर दोस्तों आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जैसे आप कहीं भी हॉस्टल में रहो, फ्लैट पे रहो, बढ़िया LCD लगाना, पूरा AC लगाना, सोफे लगा के प्रॉपर तरीके से मैच देखना, जब आपको फील भी आएगी, छोटे फ़ोन में बैठ के मैच देख रहे हो ना फील आ रही ना कुछ। तो मेरा ये कहना है कि अभी सबसे इम्पोर्टेंट है आप पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करें। इसके अलावा FMG के स्टूडेंट भी मेरे से जुड़े हुए हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा, अभी जून में आपका FMG का एग्जाम है और आपका 6 महीने में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी IPL और इन मैचों से दूर रहना है क्योंकि ये समय बहुत पीक है। अगर यही होता सितंबर अक्टूबर में तो अपन सोच लेते चलो अभी स्टार्ट किए नीट वालों ने, FMG वालों ने, लेकिन बहुत क्रिटिकल टाइम है, इस समय लापरवाही से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए IPL तो छोड़ो, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेशन बढ़ाओ। एक बार अगर आपकी लैब बन गई तो उसके बाद IPL देखते रहना। मैं तो ये कह रहा हूँ IPL के देखना, फिर प्रॉपर टिकट लेना, स्टेडियम में जाना, वहाँ मैच देखना, 500-2000 का टिकट आता, फैमिली के साथ पूरा एंजॉय करना। लेकिन अभी इन चीज़ों से बचो। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेरा ये सजेशन था, आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, मैं मानता हूँ कि जो भी इसको देखेगा, हालांकि सारे तो फॉलो नहीं करेंगे लेकिन कुछ तो फॉलो करें, किसी का करियर अपने बीच में रुका हुआ है वो आगे बढ़े। तो इसके लिए अनिल जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।